नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर आपका मकान टूट फूट हालत में है या रिपेयर कराने के लायक है तो आपको 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। आपको जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है मकान की मुरम्मत करने के लिए। ये स्कीम है वो बीपीएल परिवार के लिए है। जिस परिवार की एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है वे परिवार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने मकान की मुरम्मत है वो करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। हरियाणा में ये स्कीम हरियाणा वासियों के लिए है। इसके लिए आपको sarlharyana.gov.in इस साइट पे आपको विजिट करना है, जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है sarlharyana.gov.in। इस साइट पे आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। आवेदन करने के बाद आपको जिला समाज कल्याण विभाग में विजिट करना है और वहां पे जाके आपको अपना ऑनलाइन आवेदन चेक करवा लेना है। ऑनलाइन आवेदन आपका सही है तो आपको 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता है वो मिल सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका बीपीएल कार्ड, आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, आपका परिवार पहचान पत्र, आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए और उसमें आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट का आधार कार्ड, एप्लीकेंट का जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल और उनका बैंक अकाउंट और आपको एक रजिस्ट्री की कॉपी है वो साथ में संलग्न करनी होती है। जो आपका आपके पास प्लाट है उस प्लाट पे जहाँ पे आपका मकान बना हो और जिस मकान की आप मुरम्मत करवाना चाहते हो उस प्लॉट की आपको रजिस्ट्री आपको साथ में संलग्न करनी होती है, या फिर आपको लाल डोरे का जो रिपोर्ट है वो आपको साथ में देनी होती है। BDPO से आपको लाल डोरे की रिपोर्ट करवा के साथ में संलग्न करनी होती है, या लाल डोरे की रिपोर्ट या रजिस्ट्री, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करना होता है। इसके अलावा आपको एक मिस्त्री का एस्टीमेट देना होता है। मिस्त्री की एस्टीमेट यानी कि आपके मकान में कुल रिपेयर करने के लिए कुल कितना खर्च होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको मिस्त्री से एक एस्टीमेट बनवा के साथ में लगाना होता है। इसके साथ साथ आपको एक फ़ोटो मकान के सामने एप्लीकेंट की एक फ़ोटो होनी चाहिए। जिस मकान की आप मुरम्मत करवाना चाहते हो उस मकान के सामने एप्लीकेंट की एक फ़ोटो है वो फोटो बनवा के आपको साथ में ऑनलाइन प्रोसेस, जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ में फ़ोटो है वो स्कैन करके साथ में अपलोड करनी होती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको अभी डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने होते हैं। आपको फाइल में हार्ड कॉपी लगानी है और ऑनलाइन करते समय डॉक्यूमेंट स्कैन करके और जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपको साथ में अटैच करने होते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप घर से ही आवेदन करना चाहते हो तो आप वीडियो वॉच करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और आपको 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो मिल जाएगी। एलिजिबल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए, आपको पिछले 10 सालों में इस योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए, यानी कि अगर आपको पहले कभी लाभ मिला है तो उसको अगर 10 साल कंप्लीट हो गया तो आप दोबारा से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके और ये लाभ है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, पहले मकान के लिए पैसे मिले या मकान मिला हुआ है और उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हो और आपको इस योजना के अंतर्गत है वो लाभ मिल जाएगा। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। आप अगर ऐसी कैटेगरी से हो, बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हो, आपका मकान मुरम्मत लायक है तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके, और ये जिला समाज कल्याण विभाग की योजना है इसके अंतर्गत आप 80,000 रुपये की लाभ राशि वो प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन कीजिए, इसके बाद आपको इसके लिए लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को मेल कीजिए, मेल करके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर कोई सहायता चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।